लो no, इसमें कैसी क्या बात है माफ़ी मांग क्या ठीक है लोग कह रहे हैं यार आप क्या क्या कर रहे हैं आप लोग हाँ बस ऐसे हो जाता है कह है रहे हैं बार-बार आपसे हो रही हो जाता है इंसान है, है हो जाती है? नहीं होनी चाहिए इंसान गलती गलती है मेरे से भी गलती हुई बहुत बड़ी क्या किया मैंने रंगों को मिक्स कर दिया यार आप मुझे लेक्चर दे रही है आर्ट्स के ऊपर था क्या मैंने क्या बोला था था पता क्या नहीं जो भी बोला था आपने हाँ। लेकिन गलत बोला था। गलत बोला था जिंदगी में ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए आमना जैसा रेड और ब्लू ये आपने जो दो रंग पहने इनको मिक्स कर तो पर्पल बनता है कुछ ऐसा ही था मैं तो आप पे भरोसा नहीं करता नहीं नहीं आप बिल्कुल ना कह रहे आपको कोई पता भी। नहीं आप पता आप। नहीं क्या बात बोलते अच्छा आप, आप में माशाल्लाह पूरे एतमाद ही बहुत है मैंने नोटिस किया हाँ, आप बात गलत कर रही होती है अक्सर मैंने अपने आप को भी देखा है मुझे पता होता आप गलत बात कर रही हैं मैं कन्विंस हो जाता हूँ क्योंकि आप इतने उससे धड़ल्ले से और ठोस एतमाद से बात करती है कि बंदा कहता है ये सही कह रही होंगी मैं ही गलत हूँ बड़ी हुआ मेरे साथ मैंने बाद में नोटिस किए मैं कही मुझे तो पता थी बात मैं क्यों इतना वो आ जाता आज इतना पप्पू

और पता चलेगा भी, भी, भी जा सकती हूं। <laughs> भी भी जा सकती हूं। जी पूरे तुमादी के साथ ऐसा ही है। है यार, ऐसा है, ऐसा है। यार ड्रामे देख देखे ऑन करो ऑन करो ऑन करो ऑन डिफेंड करो हाँ अच्छा इतने ड्रामे हम देखते हैं ये तो सीखना ही था मैंने अच्छी बात सीख लेती हुई और क्या मसलन मसलन बता कि किस ड्रामे में आप चाहते हैं प्यार सीखती हैं मोहब्बत आश्की आश्की। हैं आप, आप जिंदगी किसी की किस किस तरह बदल सकते हैं किसी को कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाने से कैसे रोक सकते हैं ये सीखती है आप ये ना सीख पाई आप मैं ना सीख पाई आप यही बताती नहीं की कि किसी तरह दो रंगों को मिक्स करके क्या रंग गलत 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 ठीक है लेकिन यार ये मान लेती है मेरे जैसा कोई बंदा हो तो ही जाए किस तरह की कोई चीज हुई ये, ये मासूम है यार, बहुत मासूम है कसम से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मासूम है बाकी में बहुत मासूम है। नहीं ऐसा भी नहीं है नहीं है मासूम आम, बिफोर के हम ड्रामों का सिलसिला शुरू कर, कोई और बात कर रही है आपको क्या कह सकता हूँ मैं

ये आपको मैंने लो ब्लो 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 मैंने सुन ली है थी थी क्या मतलब है जिंदगी में कभी नहीं कटाया आपने मुझे कभी कभी नहीं ऐसा कभी भी पूरे इनकी। मैंने ये करके पूरे है? है। ये खूबसूरती है लेकिन ये मासूमियत की पूरे इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा जी आप क्या कहना चाहते कल रात को मैं तीन बजे सोई

बिकॉज वी हैव सो मैनी एंड वी हैव सो मच टू ड माई गॉड मैं क्या करूँ रोँ के हंसूँ रोज करूँ या करूं? बेक करूँ क्या करूँ मैं लेकिन हम उसकी तरफ जाएंगे उससे पहले हमारे हमेशा की तरह आज भी हम हैश टैग स्टॉप द जेनोसाइड पे जरूर दोबारा अपनी सपोर्ट uh, देना चाहेंगे गाजा uh, में जो हो रहा है रिलेंटल अनस्टॉपेबल वर्ल्ड लीडर्स को क्या हो गया है सुपर पावर्स को क्या हो गया है ह्यूमन ब्रेन जो है मेरा वो फायदम नहीं कर पा रहा कि ये लोगों को हो कह रहा है हाउ इज दिस अलाउड हाउ इज़ इट परमिटेड दैन आई थिंक थर्टी सेवन प्री मेच्योर बर्थ्स दैट है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इनक्यूबेटर्स थर्टी सेवन प्री मेर बेबीज डाइट डे बिफोर ये एंड इट्स unfathomable beyond i mean shame on its right and shame shame on all the superpowers who are not voting for a ceasefire or jo wo keh rahe hain ki ji 4 ghante ka ceasefire we don't nobody needs a for our ceasefire there needs to be a stop to this madness wo to kar rahe hain jo kar rahe hain wo इस्लामी ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो ऐसी हुई कोई Absolutely. उसका हंगामी इजलास तलब किया जी. गया तो क्या किया फोटो ऑप जो हुआ है उसके बाद हुआ क्या आपकी जो सो दो सबसे ज्यादा पावरफुल इस्लामिक नेशन उन्होंने नहीं किया कुछ ना कर पाए वो यूएन क्या कर रहा है कुछ भी नहीं कर पा रहा सो so ये बातें हैं बस बातें ही हैं और ये इसकी एक एक लेसन हमें ये भी मिलता है कि जो हम आम जिंदगी में भी सिखाते हैं बहुत दर्श देते हैं आपस में भी एक दूसरे को और कोई भी अगर पोजिशन ऑफ ऐसी होता है इन्फ्लुंस में वो कहता है यार के अच्छे काम करो ये करो Hmm. और आवाज़ उठाओ और एक्स वाई जी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ और ये करो और वो करो जब असल ज़िंदगी और असल इस तरह के मसले मसाइल मसल, मसला तो नहीं है ये तो बहुत बड़ा एक मैटर hmm. है एक बहुत बड़ा एक आलमी सतह पर बहुत बड़ा एक ग्लोबल क्राइसिस है क्राइसिस ग्लोबल क्राइसिस इज़ आई थिंक द राइट फ्रेज द राइट टर्म उसके ऊपर क्या है कुछ नहीं कर रहे अब आपके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आपके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस आपके एक्टिविस्ट जो के और हर दूसरी तीसरी बात yeah. के ऊपर सामने आ जाते हैं आवाज उठाते हैं काम करते yeah, हैं या इराक को देख लें उनको इराक को देख लें यूएन सैंक्शंस जो लगे उन पे या जो उन पे वॉर डिक्लेअर हुई आफ्टर ब्रीच ऑफ द यूएन ट्रस्ट अभी देख लें आई थिंक पता नहीं कितने रूल्स हैव बीन ब्रोकन तो ये वही वाला चक्कर छोटी गाड़ी, गाड़ी वाले रोक लेंगे दे दे और दे दे यही देखें ग्लोबल लेवल वो कर रहे हैं अब अब कोई गरीब मुल्क होता या कोई ऐसा मुल्क होता जिसके ऊपर इनका जोर चल रहा होता तो रोक लेते कर लेते सब सेंशन भी लग जाते जी। सब वो चीजें भी हो जाती

आपके जीवन नंबर की नबर, नबर। जीवन नगर की एक किस्त है आपके पास थकी भी आपके पास जन्नत से आगे की दो किस्तें हैं आपके पास फेरी टेल की दो किस्तें हैं आपके पास सुकून की दो किस्तें हैं आपके पास नया ड्रामा शुरू हुआ राहित जुनून उसकी एक किस्त है कि आपके वह नमक की शुरू हो जाए नहीं जरात के इंजाइग मत आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद नहीं, नहीं नहीं जाती इधर आए जन जीवन नगर से सुकून जीवन नगर जीवन नगर कितने हसी आप खुद भी नहीं जानू जी जीवन नगर बताए नगर कैसा लगा आपको मुझे नहीं अच्छा लगा ठीक है आगे सकून! <laughs> क्यों जीवन नगर नहीं अच्छा लग रहा भैया बात ये कि वही हम हर हफ्ते वही बात करते हैं कि जो कैरेक्टर उन्होंने निकाल दिया बब्बर शाह का उसके बगैर ड्रामे का मजा आ ही नहीं आया मैं आपसे पता है अग्री करता हूँ लेकिन इस बार जो है ना एक बड़ी क्रूशल चीज हुई और मुझे ऐसा लगा मेरी क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी जीवन नगर की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है जो जिन्होंने ये ड्रामा बनाया जब ये है ना अपना बॉय बिला जी। जब ये बोलता है लाली को के तेरे पास इतनी पावर है इतनी ताकत है जी। इसको इस्तेमाल कर तो मैंने कहा अच्छा अब कुछ होगा ये सिनेरियो उन्होंने ड्रॉप किया है अब लाली जो है बब्बर शाह बनके अपनी पावर को एग्जर्ट करेगी तो अब ये सिनेरियो नहीं कहता लेकिन वो भी नहीं हुआ मुझे यही फ्रस्ट्रेशन था यही फ्रस्ट्रेशन था कि मैंने कहा अब ये अब ये जागेगा अब ये जागेगा अब इसको समझ आएगी इवन लास्ट टाइम एग्जैक्टली यही एक्सपेक्टेशन थी जब बिल्ला कहता है उसको कि तुम जो हो ना बाबू के साथ बाबू के साथ कि तुम करो तुम पावर है तुम्हारे पास ये है तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं तुम्हें देगा इंपॉर्टेंस मेरा ख्याल था ये इसको समझ आएगी फिर भी नहीं आई इस एपिसोड में एग्जैक्टली सेम सनेरियो कि वो कह रहा है कि यू नो करो एग्जर्ट करो यही वक्त है तुम्हारा जो तुम्हारा दुश्मन है उसके बदला लॉज है मैंने कहा अच्छा ये सबसे पहले बदला तो इन्हीं से नहीं मगर अगेन नथिंग समझ नहीं आई कैसे क्यों हुआ क्यों मतलब वट इज वेयर इज इज नाव हेडेड आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज इट स्टार्टेड आउट ऑन ऑन अ अम्प्लीटली डिफरेंट लेवल एंड नाउ आई डोंट आई डोंट गेट इट आई ऑनेस्टली डोंट गेट इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एग्जाम्पल अगर यही सीन मुन्नी का बब्बर शाह के साथ होता इट वुड हैव बीन सो गुड वी वुड हैव बीन सो इन्वेस्टेड

I don't, I don't know. Yeah, what was in their mind? Anyway, now please move on. Namakaram. Namakaram. Yeah, I have to say, Namakaram has has a hook. It has a very serious hook that you want to watch it. And I have to say that there's a very strong performance from Imran Ashraf. It's very strong that you constantly, you know, if you add the background score and the way the shots have been taken. उसकी डायरेक्शन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कांस्टेंट एक फीलिंग ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल है कि समथिंग इज़ हैपनिंग बिटवीन द लाइंस व्हिच यू आर नॉट श्योर ऑफ बट यू आर वेरी सस्पिशियस ऑफ है क्या एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा आपका शक तो हमेशा मुरीद पे जाता है कि वॉट इज दिस मैन अप टू एंड ही इज ऑलवेज अप टू समथिंग आपको जो नजर भी आ गया इस एपिसोड में इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है मैं तो बहुत ज़्यादा सेकंड एपिसोड में बहुत ज्यादा नमक हराम से जी।

वो जो सीन था सिगरेट वाला पूरा जो उसके साथ बैठ के Quite कोई किसी पॉइंट पे आपको हुँ. ये नहीं लगता कि अच्छा हो हो गया हो गया ओवर द टॉप नहीं बड़े अच्छे तरीके हुँ. के साथ इमरान लेके चल रहे yeah. इवन सारा yeah, अब वो क्या हुआ एंड है, में वो कैसे किया है कैसे क्या किया, किया है? है कपड़े भी बदल गए दुल्हन बनी बैठी थी मेरा पहले थॉट ही कपड़े कैसे बदल गए उसके बाल खुल जेवर उतर गया सारा उन चीजों के साथ नहीं उसने अखवा किया ये खुद गई है अखबार हुई है क्या हुआ है दूसरी बात है अगर आप वो मोमेंट देखें जब उसको आ, मुरीद को पता लगता है कि वो नहीं है जिस तरह वो जाता है कमरों में अगर मुझे नहीं, नहीं, वो बात तो वो वो तो लगी मैंने पहले क्योंकि जब वो मैं शॉट देख रहा था ना वो सीन देख रहा था तो मुझे लगा कि

मुझे नहीं वो नहीं, लगा। मुझे लगा इसकी कोई कुछ मुझे वो, वो और नहीं लगा लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग कि है क्या और प्लस छोटी बहन का जो पूरा ट्रैक है आसमा का नहीं आसमा तो ये है सारा छोटी तो बहन है उसका भी यही है कि कि शी 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 इज सो इंटरेस्टेड इन मरीज लाइक्स लाइक्स हिम नो यू सेड ना देयर अ बैक स्टोरी कुछ होगा बैकग्राउंड में मुझे है शाह कुछ है अच्छा है पढ़ा लिखा लड़का है मास्टर्स भी किया हुआ है और और क्या किया हुआ है लॉ भी किया हुआ है वो तो मेरा शौक था तो मैंने पढ़ लिया वो तो मैं नॉकरी एंड देन ऑफकोर्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीन बेन सुनीता मार्शल्स कैरेक्टर वॉक्स इन यू नो एंड आप देखते हैं कि यू नो हर एक की डबल लाइफ एक है तो इसकी भी है बंदे की अच्छा है यार बड़ा अच्छा है डिफरेंट है इट्स अ डिफरेंट ड्रामा डिफरेंट स्टोरी And, uh, बिल्कुल और एपिसोड से बिल्कुल। हुक कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है आज कल यूजली ड्रामे जो है पिछली बार भी बोला बड़ा उससे मुझे वो वाली वाइब आई यार ये कोई थ्रिलर टाइप कोई सीन है और ये सेकंड एपिसोड तो वाकई में थ्रिलर टाइप थी वो लड़की जब गायब होती है वो पानी पी रही होती है ऑब्वियसली अ बिट लाइक यू नो

There's an interesting dialogue there. Anyway, this drama has been written by Saklayan Abbas. I want to give credit to Saklayan Abbas for the way that he's developed the story up until now. directed by Shaq Khan. directed by Shakil Khan. Shaq, I would like because he spells it in a very interesting way. Yeah. or Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal or Shaq Khan. Shaq Khan, No, but it's very well directed, it's very well written up until now.

जी मूविंग ऑन टू सुकून सुकून आ जाए यार सुकून <laughs> की बात ले चुपके से दिल ये कहे ना 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 जी ये द मदर इज नॉट वेरी ब्राइट इज शी आई थिंक ऑल दी थ्री गर्ल्स आर नॉट वेरी ब्राइट ऑल थ्री ऑफ देम छोटी बहन जो है वो पिछली दस किस्सों से कह रही है माय oh गॉड तुम सो कितनी लकी हो रजा भाई तुम्हारा इतना ख्याल करेंगे तो तुम्हें प्यार करेंगे oh God, प्यार माय तुम्हें तुम्हें वो तुम्हारी आरती उतारेंगे ससुराल जा रही हो सोचो तुम्हें कितना प्यार मिलेगा वहां पे फूलों की पत्तियों से तुम्हारा स्वागत होगा अल्लाह अल्लाह और माँ कहती है हाय अल्लाह मैं कैसे भेज दूँ मैं कैसे भेज दूँ मैं इतना घबरा रही हूँ ये तीनों लेडीज़ इतना घबरा रही होती हैं कि यू जस्ट न्यू दैट शी वाज गोइंग टू वॉक इनटू अ डिज़ास्टर व्हिच यू न्यू एनीवे ओह माय गॉड इतना घबरा रहे हैं हम सारे पिछले एपिसोड में क्या हुआ है अच्छा वो पहले आता है अकाउंट फ्रीज ब्यूटिफुल Beautiful. अभी आपने पहुंचा दिया इसको नहीं 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 ब्यूटीफुल हमने हाँ पिछली बार बड़ी बातें की जी हमने कहा यार हमें दिया समझ नहीं आ रहा कि हाँ। हमदम का रिश्ता क्या है हाँ। अतिका जी के किरदार के हाँ। साथ क्या है कभी खाला कभी आंटी कभी इस बार पूरी किस्म में वो खाला कहता रहा खाला कहता अब अब मैं आपको कसम है आप सबको पहले की किस्तों में आंटी नहीं कहा उसने मुझे नहीं पता लेकिन हमने लास्ट टाइम स्टेब्लिश किया था कि खाला है खाला इसलिए क्योंकि उसने बोला नहीं मेरा नेफ्यू और कासिंग बड़ी अच्छी नीली है नीली आंखें हैं नीली आंखें लेकिन आप आप लोगों को कसम है सबको ठीक है आप, अब मैं गलती मानूंगा मैं अगली बार माफी मांगूंगा लोग खाला को भी आंटी कहते हैं एकदम खाला फिर क्यों कहना ऐसे टिकटॉक टाइप है ना वो नहीं 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 ये बातें मैं नहीं यार मैं मैं प्लीज इस बारे में आमना ये नहीं होती बात कितनी कितनी किस्ती आठवीं किस्त थी मेरे यहाँ सातवीं कितनी किस्त थी मुझे नहीं पता आठ ही नौ में जितनी भी थी हाँ। यार ये नहीं हो सकता कि बीच में आपको आमना कहते कहते अनम कहना शुरू चुकी कभी खुशी नहीं होते आप क्या कहना अनम, अनम।

अच्छा है भोली, भोली आना जो है, वो तैयार होके खाली बैग लेके निकल जाती है अब आपको भी पता है मुझे भी दूसरी किस पे चलेगी नहीं निकलती तो पहले में ही है पहली में निकलती, निकलती है। है। में तो वो पूरा सीन भेजती है, वो है वो कहती है मुझे हाँ, भी पता है कि उसने नहीं कहा

तो वो वो पहुँचती है जब बस के अड्डे पे जब टैक्सी पकड़ती है तो टैक्सी वाले को उसने क्या बोला होगा भाई मुझे डीएच ले जाओ पहले क्या? तो ये बताएं जब बस पे अड्डे पे वो गई है पटाखा सिस्टर ने क्यों टिकट लिया उसका इसने खुद क्यों ना टिकट लिया मैं तो एक और सवाल है सर आपका पटाखा सिस्टर साथ क्यों नहीं गई उसका एग्जाम था भाई फाइनल था वो छोड़ के चली जाती है आमना उस एग्जाम को उसने पढ़ लिख के वो बनना है फिलोसोफर

उस्मान, उस्मान, आग लगे बस्ती में उस्मान अपनी मस्ती अपनी। में वो क्या बाढ़ में जाओ जो भी हो रहा है और ये भी सोच के बैठा हुआ मोहब्बत करती है मैं भी ऐना वो बस वो गुड है उसका ऐना मोहब्बत करती की नहीं करती जी ये पहुंच जाती है कन्या घर पे गेट वाला अच्छा होता है वो कहता है आप पूछ के आता हूँ पूछ के अंदर जाता तो वो कहता है कौन है क्या क्या वक्त है

एक तहलका मच जाता है उस ड्राइंग रूम में माँ का कहना तुम जैसी दो टके की लड़की को मैं अपने बहू तुम जरूर हमारे पैस के पीछे हो हु आर दिस पीपल आप मिले कभी ऐसे लोगों से इन सब की हीरो कौन था इस पूरी महफिल का कोई भी नहीं था कौन गुड़िया गुड़िया वॉज अ हीरो दिस महफिल गुड़िया कहती है यार आप उसकी बात तो सुने मैंने सुना रजा को उससे बात करते हुए उसने बुलाया है इसको जबकि हमने नहीं सुना लेकिन गुड़िया ने सुना था लेकिन आपको भी पता है लड़कियों की क्या औकात होती है ड्रामा कोई है। बात नहीं है उसको मिल जाती है प्लीज और माँ कहती भी है शट अप एंड बी क्वाइट अपने बाप के लड़कियों की क्या औकात थोड़ी होती है यार एक भी मिलियन डॉलर जो है ना मिलियन डॉलर मि, नहीं मिलियन डॉलर बात डैडी कूल करते हैं ये भी डैडी कूल ही है उससे कम तो नहीं है जब वो अपना वो जो एक सिगार रिसाइकल करते हैं हर ड्रामे में वो जब उसको चलाते हैं एक मिलियन डॉलर बात करते हैं कहते हैं कि तुम लड़की अपने माँ बाप की इज्जत ना रख सकी कम से कम हमारी तो रख लेती Does that make दैट मेक एनी you? तुम अपने माँ बाप की जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा जिन्होंने तुम्हारी इज्जत के लिए यू you नो know, अपना हिफाजत की

और आप लोग बैठे में होंगे और फिर आप लोग अपना मुंह देखते रहेंगे ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा रेवड़ी देखी है आपने रेवड़ी हाँ।, हाँ।, हाँ वैसा मुंह बना होगा हमारा <laughs> <laughs> आम देखा है आपने जो आम होता है कि एक आम को खाने के कई तरीके होते हैं एक दफा स्लाइस करके आप खा सकते हैं पूरा छील के आप खाते हैं गुठली खाते हैं चूस के भी खाते हैं तो चुपा हुआ चिकन आपकी बने होगी <laughs> <Absolutely>. <laughs> लेकिन इसको यार बड़ा क्लोजली कंटेस्ट करेगा एक और ड्रामा कौन सा वो नहीं अभी आएंगे. उसका नाम है क्लोस कंटे, क्लोस कंटेंशन है, अब आप नहीं, वो... नहीं, नहीं, लड़की जो है ना वो कहती है अब मैं क्या करूँ करू क्या मैं मुझे ख्याल आया कि यार उस्मान जो है वो एक एक जिसका ना बिफरे हुए क्या होता है? हो, पानी। होता है एक एक शेर एक जख्मी शेर की तरह फिर रहा है की मुझे एक शक्ल नजर आ जाए एक दफा बस तसली हो जाएगी। अच्छा वो तो अंदर आता है सब कुछ होता है पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, मैं नहीं है ना कि मैं नहीं हूँ मुझे एक बार उसकी शक्ल दिखा दे है, वो मैं है। मुझे पता मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है वो कहा गया भाई माँ कहती नहीं है कहता अच्छा किधर गई है कहती मैं जरूरी नहीं समझू कहता अच्छा ठीक दांत मुले लेके वापस आ जाएगा भाई व्हाई कुडन आना बी इन कॉलेज व्हिच अ क्वेश्चन व्हाई कुडन शी बी इन द लाइब्रेरी आई डोंट नो आई ओके एनीवेज आना तो बेचारी अपना से मुंह लेके वापस आ जाएगी अब कैसे आएगी अब आपको समझ आया वो शॉर्ट वो प्रोमो वो सारा कुछ कौन सा है? आपने कहा कि वो पूरा जो है वो कि क्यों वो उन्होंने टीजर दिया आपको ट्रेलर जो दिया था प्रोमो बना के गाड़ी में है जी गाड़ी जी में ले जी जी ये था मैं थी। मैं लेकिन इसको नाम तो पता उसका इंटेलेक्चुअल का मैं ना सकी अच्छा वैसे मुझे ना वो एक और सीन था बड़ा मजे का वो प्यारे अंकल आते हैं बाहर से और बीवी को देखते तो पूछते हैं क्या हुआ मैंने यार आपको क्या फर्क पड़ता है अंकल क्या आपको क्या वाकई में आपको क्या फर्क पड़ता है आप तो वो है आप तो अपनी बीवी को अपने पैर की जुटती बराबर समझते है

बाप से नहीं सोच नहीं सकती कि बाप हाथ उठाए सोच नहीं सकती मैं ये अच्छी बात तो नहीं है बाप से छुपाना चुछ और मैं तो नहीं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है आप रेप्रीमांड करें हर तरीके से सजा भी दें वो सब ही उठा के जाना मैं तो इसके उसमें नहीं हूँ मगर आप चपेट ना मारते हैं ठीक है चपेट को हटा दें एक सेकंड के लिए बट ये इन ऑल सीरियसनेस वट एवर एनाज डूंग

खुदा ना खासा कुछ भी हो सकता है यार एक्सीडेंट हो जाए बस का खुदा ना खासा फिर इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल मूविंग ऑन टू जन्नत से आगे जन्नत से आगे ओह माय गॉड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद कुबरा एक्टिंग थिंक कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खई एवरी सिंगल सीन एक तो कैरेक्टर का आर्क इतना ज्यादा है कि आपको समझ नहीं आता कि आप किस पे अपने आप को फोकस करें किधर आई मीन I mean, शुरू में जब दिखाते हैं बैक स्टोरी अब वो इतनी इंडियरिंग है यू नो इन शी वॉज अब तो बस हम बेसिकली खब थे बेहतर करने के ऑफर थी ऑडिशन पास कर गई मगर वो जो रिलेशनशिप थी नुमान के साथ वो इतनी लविंग थी इतनी प्यारी थी वो रिलेशनशिप और दोनों मिल हर चीज़ करते थे एंड यू लाइक वन शी सिटिंग विद थेरेपिस्ट एंड शीज क्राइंग इट वॉज जस्ट अ स्टनिंग परफॉर्मेंस एक तो वो बड़ा अच्छा मैंने एक देखा था जब उस इंटरव्यू टॉम हैंक्स का आ रहा था विद इरफान खान और टॉम हैंक्स ने कहा एक्टिंग की बात हो रही थी कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एक्टर गुड गुड एक्टर हैज़ टू बी वेरी कॉन्ट बी सेल्फ कॉन्शियस यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्शियसनेस बिकॉज यू नो अगर आप हल्के से भी सेल्फ कॉन्शियस हो जाए तो कैरेक्टर सफ़र करता है यहाँ पर कुबरा वॉज नॉट सेल्फ कॉन्शियस एट ऑल कि उसका मुंह कैसा लग रहा है रोते हुए वट एवर शी जस्ट इमर्ज सेल्फ इंटू द रोल

एंड नुमान सीम टू बी अ गुड हजबेंड लाख रुपया देता है अपनी बीवी को अपने जो दो जोड़ों के पैसे देते हैं थोड़े से अपने लिए मांगता है तो कहते हैं कोई नहीं ये भी रख लो इसका भी जोड़ा ले देते पहले माँ को भी दोनों को साथ लेकर चलो आप देखेंगे माँ और बहू की बहुत अच्छी लाइन थी कहती हम साथ में चलेंगे वो दिए वो सब कुछ दिए एंड आई है फॉर द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली सी केमिस्ट्री बिटवीन नुमान एंड जन्नत yeah. जब वो आपके पास बहुत क्रेडिट देते हैं के यार के की यार एक नॉर्मलाइज किया आपने बीबी के रिलेशनशिप को जिस तरह से कम्फर्टेबल

no his 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 shock and and like like uh, you you know know the the way that he's struggling to yeah. to find words she was was just it it very 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 good good it's only thing it's although I have right? to say hmm. and, uh, because it's important और हसीब हसन की डायरेक्शन है सब कुछ बड़ा टॉप लॉन्च है मुझे वो I Alhamdulillah, I have never had to interact with the therapist. I don't know. Uh, but I would suppose that therapists don't speak like that. depression You know, those were the her words. Not in so many words. And then she goes like this. I mean, of course, that is the problem, right? When you yeah. go seek therapy, the the essence of that session, I suppose, because I've never been So and, So I have. and this this question depression is not asked in so many words but ये सवाल हो सकता है you know because कभी कभी इंसान को पता होता है deep inside कि क्या चीज bother कर रही है you know एंड ये पूछना कि जी तुम्हारे में सब कुछ है बट ये काउंट कराना कि तुम्हारे पास ये भी हाँ, है वो, वो भी जोड़ा, है ये भी जोड़ा है, जोड़ा है. जोड़ा मुझे है, लगा कि मतलब एटलीस्ट थेरेपिस्ट से तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते ना कि वो आपको ये हाँ, मारे पॉइंट हाँ, हाँ, एक तरह से ता नहीं हो गया yeah, ना ये yeah. भी ये भी है प्रॉब्लम मतलब, yeah. आई मैं अगेन कि कि अगर इस तरह का कुछ हो तो उसको ज्यादा ये कंसर्न हो कि ओके टेल मी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फीलिंग No, my focus in that sequence was completely on on Jannat. Of course, Kubra's performance, so you can't take away from. I didn't because it's a. I mean, therapist, नहीं हम लोग लिख सके थे इतना अभी तक. नहीं, but तो again, मैं sorry क्योंकि हम Jannat से आगे को इतना appreciate करते हैं हमेशा हाँ। इतनी उसकी बात करते थे, थे, हैं. थे, थे, तो यहाँ पे जो team मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि वो मेरा अहमद हैं, उन्होंने लिखा है. तो उनसे expectations बहुत ज़्यादा हैं. So if anybody you'd hope would show a good therapist. little more research. Yeah, so that would be Omer. Presentation of the. अच्छा फिर अगर आप दूसरी तरफ चले जाए अब तो बसुम के साथ क्या हो रहा है पूरा मेकअप की that, यार, that ओ, नमाज ओ, पढ़ते भी दोनों की ओ, वो तो में है, रो रो के रो रो के ओ, फारूक ने हशर नशर कर दिया और एवन, है और इवन रमशा मीन रोती जा रही है लड़की रोती जा रही है और फिर जब वो बेड पे बैठी होती है ठीक हो जाएगा बहुत खूबसूरत मैंने जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा मुझे नहीं मिलेगी

It's just overall such a pleasure to watch. Yeah, it's it's really enjoyable. Yeah. Really enjoyable. Moving on to Amelie Fairy Tale. Fairy tale. Yeah. Really... tale. Yeah, I really enjoyed these two episodes. Really? After I, a long I was, time. I was a bit let down. Especially the second one. I really enjoyed it. I mean, I enjoyed for Jatka Sisra But I for fairy tale, I'm always constantly looking for um, ठीक है हो गए ना मिल गए मतलब पहली बार ये जो जान और, हाँ। और मैंने हाँ। बहुत एंजॉय किया जिस तरह अच्छा उसको मैं सोच रही हूँ कि बेचारा जो है उसको हो रहा, आ रही है उल्टी आप लोग तो मजीद उसको खिलाई जा रहे हैं। एक जापानी फल एक केला और एक एक यखनी जो कि ठीक सूख लग रहा था यखनी थी भी नहीं पता नहीं कैसी यखनी थी वो कह रहे आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाओ फिर गाड़ी को धक्का लगवा रहे

सीजन के पहले एपिसोड से अपने जोन में रहे हैं बड़ा इनका जबरदस्त मजे का रोल है यार तो ह्यूज टू तो सलीम शेख आई थिंक सो गुड वो पूरा जो सीन था वो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ उसको लिटा दिया उल्टी के बाद सब उसको ले गए उसके कमरे में और आगू जान उसको लाठी से लटा गया ऑफिस जा रहे <laughs> लेट जाओ एंडलाल पाशा के ऊपर बेचारे चढ़ाई उसने कहा मैं तो खाली का पराठा खाएगा उसमें जा नहीं

मतलब ये कमाल है यार वो मुझे बड़ा पसंद है वो उसका ये जो हमजा का है ना मैं तो बड़ा खुश होता हूं मैं वो देख के कहता हूं यार बाल हो तो हमजा सुहेल जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह फॉर हमजा सुहेल जी माशाल्लाह फॉर जी बिकॉज़ वो एवरीडे ही वेक्स अप लाइक बेड में यू क्यूट अ Zoom सेशन नीचे से पजामा ऊपर वो क्यूट इट्स क्यूट इट्स क्यूट हां तो मगर मैंने उतना नहीं एंजॉय किया जितना मैं अमूमन करती हूँ मैंने मैंने एक्चुअली ज्यादा एंजॉय किया और वो तेल वाला भी सीन क्यूट था उसके हाँ। बालों में जो तेल लगा अगेन विश आईड लुक लाइक हमजा सोहेल माय हेयर वुड लुक लाइक हमजा सोहेल जैद विद ऑयल इन देम सो गुड हमजा के बालों को नजर न लगे अल्लाह मियां हमजा के बाल सलामत रहे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल हैं बॉयज गुड गुड एनीवे मूविंग ऑन टू फाइनली क्या क्या रह गया सिर्फ हैरान नहीं क्या रियली really? बाकी सब कर लिया आपने जी, जी, नहीं नहीं, नहीं। वाकई सही जा रहे हैं आप लोग क्या कहना चाहेंगे आपने जी राहि जी ने मैं बारे? अच्छा कहने को तो बहुत कुछ है कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं शुरुआत जो है ना अपने रिव्यू का हसन वो सीरियस नोट से करना चाहूँगी सीरियस नोट में ना ये है दैट माय अपील टू सीजन एक्टर लाइक दानिश तैमूर इज़ दैट वाई आर यू टेकिंग द सेम रोल ओवर एंड ओवर अगैन बिकॉज अब जब सीन खुलता है एंड यू लुक इट दानिश तैमूर इन एक एपिसोड में आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली कि पर्सनैलिटी क्या है तब्रेज़ की नहीं शबरीज की राइट एंड मैं ये सोचती हूँ कि यार इससे पहले आप ये दीवानगी से जो है ना ये एक शुरू हुआ था दीवानगी उसके बाद इश्क है उसके बाद कैसी देरी खुदगर्जी बिश्वी इन्होंने महर किया जो कि इतना पॉपुलर नहीं था विष्व इन्होंने चाद तारा किया जो कि पॉपुलर था लेकिन इतना नहीं जो जिस किस्म की पॉपुलरिटी इन कैरेक्टर्स को मिलती है वायलेंट किस्म के अग्रेसिव लवर्स तो उन्होंने कहा कि यही मैं कर रहा हूँ सही दिस इज़ वॉट पीपल लव आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस आई विश ही डिट आई रियली वॉन्ट टू सी दानिश दैमोर इन अ कैरेक्टर दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट आई वुड लव टू सी हिम एज अ मुरीद इन अ नमक हराम यू नो अ कैरेक्टर दैट इज़ डिफरेंट नॉट जस्ट के लवी डवी है फिर भी फ़र्क हो बिल्कुल एक हंड्रेड एंड एटी डिग्री का एक शिफ्ट हो मगर वो नहीं कर जी 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 रहे हैं सो ही इज़ प्लेइंग इट वेरी सेफ विच इज़ अ बेट ऑफ अ लेट डाउन वेन इट कम्स फ्राम सच अ सीजन एक्टर अब आप इस एपिसोड में थोड़ा कुछ ऐड कर दूं यहाँ पे जब ये शुरू हुई ना एपिसोड और वो एरियल शॉट है मैंने कहा अब एक और ड्रामा एरियल शॉट से फिर शुरू हुआ ड्रोन शॉट से तो मतलब है कि वाई आई कॉन्ट बी स्टार्ट अ ड्रामा विदाउट एन एरियल शॉट बट अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन वो भी तो खत शुरू हुआ ना नमक हराम यूं शुरू हुआ हमेशा यूं ही क्यों शुरू होते हैं ड्रामे बट जैसे जैसे स्टोरी खुलना शुरू हुई मैंने कहा के वाह इंटरेस्टिंग या आई जब पहला सीन था एंड यू सी दानी स्टैंडिंग उधर क्लिफ के ऊपर या क्लिफ कह लें या जो भी कह लें ऊंचाई पे खाई के ऊपर और जो एक्सप्रेशन थे जो वॉइस ओवर चल रहा था जो चेहरे पे जो सब वो तासुरात थे मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग ये तो वो नहीं है जो मुझे लग रहा था फिर वो जब लड़की आती है और जिस तरह से वो उसको बचाती है और फिर आप जो और पीछे से शॉर्ट देखते हैं तो कोर्स बस वहां पे खड़ी हुई थी वैन खड़ी हुई थी और लड़कियां भी थी मैंने कहा चलो इतनी ऐसी कोई नहीं सिचुएशन अनबिलीवेबल कोर्स दे कैन यू नो इट्स पॉसिबल के ऐसा हुआ हो इट्स बिलीवेबल ये

But made sense because I I don't know your number. Yeah. बट मेड बिकॉज आई डों आई सपोज यू ऑल्सोर तो सही आजकल के दौर में तो आपको नहीं नंबर याद होते हैं no, exactly. और वो उसके बाद लिखा हुआ था उसने किसी का hmm. फोन लेके फोन कर दिया yeah. बजाइए कि अपने बाप को फोन करती वो पहले ही डरी हुई थी बाप मैं का याद है, मुझे बच्चों का भी याद है ऐसा नहीं कि किसी का नंबर नहीं है

सकते थे महक से महक तक का सफर वो उसका कंसेंट नहीं था इसमें कंसेंट है ये फर्क है बहुत बड़ा फर्क है नहीं। ये था ना वो तो नहीं जाती थी शादी वो प्यार नहीं।, नहीं करती थी ये तो प्यार करती है, है। इसलिए जब यहाँ पे माँ बाप मना करेंगे कि हम अमीर हैं हमने गरीब नहीं लड़की नहीं। से शादी नहीं करनी क्योंकि वो तो स्टेब्लिश हो गया आंटी अपने अच्छा मैंने एक बात कहनी आपसे आपका डेकोर से बड़ा गहरा था है।, है ना आपका हाँ। डेकोर से बड़ा गहरा था घर से मदरहुड से भी आपका गहरा ताल्लुक तो है हाँ। और एक दिन मदर इन लॉ होने से भी आपका गहरा होगा गहरा ताल्लुक है ने बात गलत नहीं की क्या कि भाई यू स्टेप आउट ऑफ दिस हाउस तो तुम जो मर्जी करो एज लॉन्ग एज यू इन दिस हाउस इट्स माई हाउस i think oh, she, are we talking about that now uh -huh. oh please hassan no i think she was fair no she was not fair why She was not fair. का कर लेती है तो उनको क्या उनकी मौत पड़ रही है नहीं पड़ी लेकिन अगर उन्होंने ये कह भी दिया की मेरा घर है अपने घर पर ठीक है बहुत ही घटिया बात नहीं घटिया बहुत भाई आप अपने जब आप इतने हैं इतना आपको वो है करना है कराना मैं बच्ची की वजह से नहीं कह रहा मैं बेटे की वजह से कह Would रहा हूँ अगर बेटा करना चाहता अपने कमरे की रिकॉर्ड हाँ, बेटे को चाहिए कि वो, वो और चीज है तो मैं तो ये मां तो बाप के साथ लटक आप जो बात कर रहे हैं ना वन टू रॉन्ग डोंट मेक राइट कि उन्होंने जो आंटी ने बात की वो इनता हाई थी कि तुम्हारा घर नहीं है जब अपना घरों का जो मर्जी करना है डोंट टच एनी थिंग गेट लॉस्ट यहीं तक सिर्फ ये भी बात बहुत मायूब है बहुत ही मायूब है दिस इज़ नॉट हाउ यू वेलकम योर डॉटर्स इन लॉ इन द हाउस दिस इज़ नॉट हाउ यू मेक दम फील लव्ड दिस इज़ नॉट हाउ नॉर्मल पीपल बिहेव बल्कि अब तो लोग वो कहते हैं कि जी यार बहू आ रही है उसको पूछो उसको कैसा फर्नीचर पसंद है डू थिंग्स अकॉर्डिंगली लेट हर सेट अप अ पोर्शन दिस इज यू गिव पीपल चॉइस ऑफ हाउ दे वॉन्ट टू लिव इज़ माई मदर इन लॉ गोइंग टू कम एंड चूज माई बेड फॉर मी मीड बी हेल्प नो

मैं मेरा पॉइंट मुझे अपनी अर्ज तो पेश करने देना आपने मुझे मेरी अर्ज ही नहीं पेश बिल्कुल इतना कर दिया मुझे आप मुझे अर्ज पेश करने कर आप मुझे अपनी अर्ज पेश कर बात ये कि उसने उसका कमरा जो भी है बना होगा जो भी होगा शादी वादी हुई काफी टाइम हो गया शादी को अभी आज की बात नहीं है आंटी ने कहा यार डिकोर घर का चेंज करें ठीक है ये आंटी करेंगे मैं ये बात नहीं कह रहा की आंटी बिल्कुल सही है आंटी ठीक है आप जैसे मैं आपकी बात समझ गया आपने कहा यार के, आ, अगर किसी को आपने ये स्पेस दी भी है आप चाह रही हैं कि आपका बेटा आपके साथ ही रहे आपकी बहू साथ में रहे फिर तो हाँ ऑब्वियसली वो बनता है एक लेकिन मैं ये समझता हूँ मैं इसको चले ड्रामे के कॉन्टेक्स्ट में ना भी देखें अलग कॉन्टेक्स्ट में देखें मैं ये समझता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि

बहुत शुक्रिया हाँ वो ये आपकी बात ठीक है कि वो बोले कि निकलने भी नहीं दूंगी यही बात रोहो भी यहाँ पे हाँ। और मेरी फिर तो मेरी मर्जी भी हो वो गलत बात है वो तो अपने मियाँ को जिस तरह वो बात करती हैं कि तुम तो क्या तुम्हारी औकात लेकिन मुझे ऐसा ये भी लगता है कि जिस तरह के दिखाए गए हैं और अमूमन भी अगर आप निकलना चाहें आप निकल सकते हैं आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती तो हाँ, चलेगी anyway, मुझे तो लगता है कि यार बच्चों की ऐसा किया जाता है कि बच्चों को अपने साथ जोड़ जोड़ जोड़, जोड़ के रखा जाता है जोएंट वैमिली, जोएंट वैमिली, जोएंट वैमिली। कि पता नहीं क्या हो जाएगा कि अगर बच्चे मूव आउट कर जाएंगे तो माँ बाप से मोहब्बत करना छोड़ देंगे या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा माँ बाप में ऐसा नहीं होता आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि हर किसी की अपनी एक पर्सनल स्पेस हो फिर चाहे वो डेकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वैसे हो हर किसी का वो राइट right है आपकी बीवियों का वो राइट right है कि उनको नहीं ये कल मैं सुन रहा था किसी के रिलीजियस स्कॉलर को कहा यार ये सास ससुर का रिश्ता इसकी क्या वो है ये तो हर किसी को अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है तो वो

मतलब वॉट आर दी ऑर्ड्स के जो हम सोच रहे हैं वो कहानी ना नाउ आई विल बी सो मैं माफी मांगूंगा कि यार के हमने हम देखेंगे दो एक और दो किस्तों में तो नहीं पता चलेगा ना कि कितना डायरेक्टेड बाय आमना जी अहमद कामरान एंड रिटन बाय रिहाना आफ्ताब ड्रामा फीचर्स दारिश तैमूर कोमल मीर सबा फैसल महमूद असलम साहब को हमने देखा हिबा अली जैन अफजल अली ताहिर अच्छा दो बहनों को आपने दिखा दिया फिर आपने, आपने मार दिया आपने दिखा दिया बहनों को हम लड़ाएंगे इस बार नहीं। आपने काफी नहीं। हो गया कि दो लड़ी नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे तो मैंने कहा क्यों छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से क्यों इतनी बदतमीजी कर रही है आपको आपने डॉक्टर के साथ बदतमीजी करा दी जरूरी होता है वो तो उसका जरूरी नहीं उसने पहले प्यार से बात करने की कोशिश की वो भी जरूरी होता है बैड पर्सन

और फिर आपका फीडबैक ऑब्वियसली हम उसको स्टडी करेंगे एनालाइज करेंगे आपके फीडबैक को जी, और, और फैसला करेंगे, करेंगे क्या करना। क्या हो, जी और कुछ आप, करें? आप लोग हो गया तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अपने घर भी जाना होता है आमिर जी तो अपने घर पे तो आमिर जी का शुक्रिया की जाके की जाके की उठी नहीं है ये सुबह चार बजे तक आप उठी रहेंगे अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी तब तक खुदाफिज